नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कलावती सरन हॉस्पिटल में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि किस किस हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के कितने पोस्ट हैं, इसका एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, साथ ही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन किस तरह से लिया जाएगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। और एक चीज और हम जानेंगे कि इसका एज लिमिट क्या है और इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आप ये देख सकते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, इसके तहत वैकेंसी आया है वेरियस हॉस्पिटल में, जैसे कि सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़। इन पांचों हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है। चलिए अब हम देखते हैं कहां पर कितने फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। तो नंबर 8 पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में 4 पोस्ट है फार्मासिस्ट के, राम मनोहर लोहिया में 5 पोस्ट है, देन आपका LHMC में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 3 पोस्ट है, देन आपका कलावती सरन हॉस्पिटल में 1 पोस्ट है फार्मासिस्ट के। तो इस तरह से टोटल 13 पोस्ट है फार्मासिस्ट के। यहाँ लेवल 5 का जॉब रखा गया है, यहाँ कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो साइंस सब्जेक्ट 10+2 यानी इंटरमीडिएट में होना चाहिए, इसके साथ ही डिप्लोमा इन फार्मेसी को एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर आप डी फार्मा हैं तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। देन आपको रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल होना जरूरी है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल यानी दिल्ली स्टेट के जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दिल्ली स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। यहाँ एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स रखा गया है। दोस्तों एज लिमिट काफी कम है क्योंकि अभी कोविड के बाद काफी समय बाद वैकेंसी आई है, तो एज लिमिट में थोड़े से रिलैक्सेशन देना चाहिए। हालांकि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिला है, बट जनरल कैंडिडेट के लिए यानी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ एज लिमिट काफी कम रखा गया है, क्योंकि कोविड के ड्यूरेशन में काफी लोगों का टाइम बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका फीस क्या है। तो पेज नंबर 7 पर हम जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेशन का जो सबमिशन का स्टार्टिंग डेट है वो 5 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट 25 अक्टूबर 2023 है, यानी 25 अक्टूबर 2023 से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके साथ ही इसका एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2023 में आ जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो शेड्यूल डेट है वो 4th week of November है। अब हम जानेंगे कि इसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो इसका एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होगा। इसके साथ ही अब हम जानेंगे कि इसका पे स्केल कैसा है। तो पे स्केल यहाँ आप देख सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी 30 साल तक वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। OBC के लिए 3 ईयर्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस के लिए आप पेज नंबर 11 पर आप देख सकते हैं 600 रुपीज का फीस रखा गया है और वुमेन कैंडिडेट के लिए, जो भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए फीस को एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, या फिर SC ST कैंडिडेट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट और PWBD कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है वुमेन कैंडिडेट के लिए कि उनको 600 रुपये फीस पे नहीं करना पड़ेगा, बाद बाकी जनरल कैंडिडेट को ये फीस पे करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ आपको दिल्ली और NCR रीजन जैसे कि नोएडा गुड़गांव में इसका सेंटर हो सकता है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो किस तरह से एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपको रहेंगे और 60 क्वेश्चन के लिए आपका 4 मार्क्स दिया जाएगा और इसका जो
टाइमिंग है वो 60 क्वेश्चन को 60 मिनट में आपको पूरा करना होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग आपको 1 mark फॉर इच रॉन्ग आंसर है, अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो 1 mark आपका कट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो अभी इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और ये जो 60 क्वेश्चन जो है वो फार्मेसी पार्ट से पूछे जाएंगे या नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे जाएंगे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करें, इस फॉर्म को हम अप्लाई कैसे करें, तो इसका एप्लीकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और आप यहां देख सकते हैं लास्ट में वीडियो के यहां आपको रजिस्ट्रेशन करना है एप्लीकेशन। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, देन आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिल करना है। रजिस्ट्रेशन में आपका अपना नाम, एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये कैप्चा कोड देकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे देन आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उससे आप लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सफदरजंग हॉस्पिटल और इन सभी हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन करने की। थैंक यू दोस्तों, इस तरह की वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।